Okay, now let's start with the sessions. Okay. This is the parent class I'm going to create. Okay, parent. Just take one example. Going for the teacher which you have might be आपके teacher ने वो बताया होगा circle वर्कल सब कुछ बनाने का इस class में inheritance में circle area सब निकालने का वो लोग वो नहीं बताया था sir वही बताया या कुछ और बताया नहीं सर वो केवल मतलब थोड़ा सा concept देके निकले और उसमें एक combined program हुआ करता था उसमें मैं बहुत सारा भूल गया okay ठीक है अब कुछ धीरे-धीरे पढ़ाई तब तो समझ में आता है कुछ करेक्ट Now see the inheritance. Inheritance हमारे पास C hash में बहुत तरीके के होते हैं. The first होता है एक inheritance का single level. Single level inheritance. ठीक है? Yes sir. Inheritance. तो एक होता है multi level inheritance. Multiple level. क्या होता है अब ये चीज कॉन्सेप्ट समझना है फिर प्रोग्राम इजी हो जाएगा देखना अभी दो मिनट लगे समझने में मान लो एक पेरेंट है ठीक है पेरेंट का प्रॉपर्टीज क्या था बताओ टाइटल क्या था शर्मा जी करेक्ट हाँ चाइल्ड चाइल्ड का नाम शर्मा जी रमेश और क्या था शर्मा जी ठीक है ये शर्मा जी कहाँ पेरेंट्स से मिले ना उनको ठीक है क्लाइंट जो होगा क्लाइंट कॉल्स फ्रेंड का दोस्त है लड़का का दोस्त हाँ चाइल्ड का दोस्त है कॉल्ड तो क्या होगा पेरेंट प्लस चाइल्ड बोथ गेट्स कॉल्ड करेक्ट Let's see. Yes, sir. Class as parent. Okay. The class, for example, there is. इसके पास कुछ variables हैं. ठीक है. Variables कैसे हैं? मान लो public. Okay. String. Title. Okay. It is having one method. Public. Void display name एक मेथड है जो कि नेम डिस्प्ले करता है ठीक है फादर का मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन सिंगल कोट्स में लिखा मैंने पेरेंट नेम इज पेरेंट का नाम क्योंकि बच्चे का जब एडमिशन होगा तो पेरेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा ना जी तो मैं इसमें लिख रहा हूँ पेरेंट नेम इज राकेश फॉर एग्जाम्पल शर्मा ठीक है ना पेरेंट विच हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टाइटल ठीक है और टाइटल क्या है कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग ठीक है मान लो टाइटल भी इधर ही डाल देता हूँ मैं ठीक है टाइटल इक्वल्स टू शर्मा जी दिया मैंने और यही टाइटल मैंने इसको असाइन कर दिया ठीक है टाइटल प्लस करके टाइटल ठीक है नाउ अब क्या है ये तो पेरेंट हो गया पेरेंट का टाइटल मैंने असाइन कर दिया उनका नाम भी अभी क्या हुआ चाइल्ड बीच में क्लास चाइल्ड ठीक है क्लास चाइल्ड पेरेंट के साथ तो पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टीज होगा किसको मिलेगा चाइल्ड को मिलेगा चाइल्ड को मिल जाएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो इसके पास एक मेथड बनाया मैंने पब्लिक वॉइड नेम डिस्प्ले कुछ भी मेथड बनाया मैंने जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूँ चाइल्ड नेम इज is the one class now there is a class okay
line. Now here, coming here, CLI. Here we do have one method, void main. Static void main. Here now requirement is, now client क्या कर रहा है? Client मतलब school का teacher है, जो कि बच्चे का admission कराने जा रहा है. तो कह रहा है तो हम लोग सब बुलाएंगे, child को बुलाते हैं, parent तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे उनके. So what the client is doing? अच्छा, the object of child class, child obj equals to new child, child obj dot. See, I am getting a child name display and the display name. हाँ, yes sir, sir. मैं father. Okay, father display name. Let's do that. Dot c. मैंने क्या क्या father display name call कर लिया. इसी तरीके से child obj dot मैंने किसका कॉल करी, चाइल्ड नेम. क्या करना पड़ा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ा. आई कैन कॉल दैट मेथड यूजिंग अ चाइल्ड. चाइल्ड, हाँ हाँ, फादर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया. हाँ, क्योंकि पेरेंट, मैंने अभी क्या बताया कि जब आप चाइल्ड को बुलाओगे, क्लाइंट कॉल्ड अ चाइल्ड, फादर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, पेरेंट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. तो मैंने क्या क्या लिखो, इधर चाइल्ड ओबीजे डॉट फादर डिस्प्ले. मतलब चाइल्ड के थ्रू मैं पेरेंट को भी कॉल कर सकता. लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज इन द स्टार्टअप प्रोजेक्ट, सेव इट, रन इट. F10, F11, सी कहाँ पे जा रहा है, वो पेरेंट क्लास में जा रहा है. ठीक है, उसने प्रिंट किया राकेश व्हाटएवर, जो भी कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करें तो क्या मिलेगा, देख. सर 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 सर, एक डाउट है सर. हाँ सर, ये जो आप जो येलो कलर और रेड कलर पे जा रहे हैं, F10 और F11, हाँ हाँ, अगर आप बना होता है ना, इसके अंदर जा F10 कब दबाते हैं, बताता जब आपको किसी फंक्शन के अंदर जाना हो. अच्छा, तो यू नीड टू प्रेस F11. अब सबको अभी क्या है, इस मेथड है चाइल्ड नेम डिस्प्ले, मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं प्रेस करूंगा F11. देखो उसके अंदर आया. अच्छा, F10 होता है नेक्स्ट लाइन, F11 होता है उसके डेफिनेशन में जाने के लिए. नाउ अच्छा, देखो मैंने तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या कॉल हो गया, पेरेंट भी कॉल हो गया और चाइल्ड भी कॉल हो गया, फादर पेरेंट भी कॉल हो गया. हाँ, ओके. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई डोंट नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट बिकॉज चाइल्ड इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास. So the parent will get called automatically while creating an object of the child class. Means, जब भी आप child class का object बनाएंगे, तो parent class के जो भी methods or properties होंगे, you can directly call it from the child. Any doubt? Any confusion? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. कोई doubt नहीं. Okay. Now. अभी तक तो समझ में आ गया सब. हाँ, वो आएगा. Don't worry. ठीक है. इसे कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. देखो सिंगल है, एक पेरेंट है, एक सिंगल ही मैंने किया. ठीक है, एक चाइल्ड है, इसका सिंगल इनहेरिटेंस. सर कैसे पता चलेगा पेरेंट और सिंगल लेवल, कैसे पता चलेगा कौन सिंगल लेवल है? बता दो. चाइल्ड को देखो, चाइल्ड है, कितने का प्रॉपर्टी ले रहा है, पेरेंट का ले रहा है, करेक्ट? आवाज टूट रही है क्या? ये देखो, ये क्या है, फादर. अब मुझे बताओ, ये जो चाइल्ड है किसका प्रॉपर्टी ले रहा है अभी? फादर का ले रहा है. मदर का तो लिया ही नहीं इसने, फादर का सिर्फ फादर का लिया है, मदर का तो लिया नहीं. सिंगल लेवल है, सिंगल एक ही लेवल तक है, दो लेवल नहीं बनाया, दो लेवल बताता अच्छा. हूँ मैं कैसे. नाउ अब मान लो ये तो चाइल्ड था, अब क्या हुआ, चाइल्ड का भी एक बेटा है. ठीक है, चाइल्ड का भी सन है. अब मुझे बताओ, ये जो चाइल्ड सन है वो किसका बेटा है? इसका बेटा है. मैं इसका नाम रख रहा हूँ राकेश. राकेश जो चाइल्ड था, ठीक है, ये जो चाइल्ड सन है, ये किसका चाइल्ड है? राकेश. राकेश के, राकेश चाइल्ड का बेटा है ये. तो ये प्रॉपर्टी लेगा, पहले ये बताओ, इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा किसका मिलेगा, दादाजी का मिलेगा या पापा का मिलेगा? पहले तो राकेश और दोनों का जाएगा, दादाजी के पास चला जाएगा. नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, पहले हाथ है उसको किसका, किस वो किसकी प्रायोरिटी लेगा, किससे हिस्सा मांगेगा, पापा से या दादाजी से? पापा से. हाँ,
ये किसको इनहेरिट करेगा बताओ, राकेश शाह को, करेक्ट? राकेश, राकेश, हाँ। राकेश के पास तो पहले से ही दादा की प्रॉपर्टी है ना जी, तो यानी कि इस वाले को किस किस का मिलेगा, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ दोनों का आएगा। समझे ना क्या हुआ, जिस राकेश है, राकेश ने सारा प्रॉपर्टी फादर का ले लिया, प्रॉपर्टी हिस्सेदारी सब ले लिया, उसमें से हाँ, अब उसके बाद उसका भी बेटा आया, उसके बेटे ने कहा ठीक है मेरे पापा तो राकेश है, तो राकेश से ले लिया उसने प्रॉपर्टी, तो राकेश तो पहले से ही अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ रहा था साथ में ही, तो राकेश दोनों मिल जाएगा। हाँ तो यानी कि कुछ दादाजी का और कुछ दोनों इसका, दोनों करेक्ट होकर प्रॉपर्टी जाएगा ना उसके पास दोनों। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, राकेश चाइल्ड सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जो पोता है वो इक्वल टू नाउ ओबीजे डॉट। अब मुझे बताओ चाइल्ड नेम डिस्प्ले किसका, बताओ राकेश का आएगा ना, फिर से सर? हाँ राकेश का आएगा। कर दू चाइल्ड राकेश सन, करेक्ट, ओबीजे डॉट। अब मुझे बताओ कितने मेथड्स मिल रहे हैं इसमें, राकेश सन किसका है, ये तो खुद का होगा उसको ओबीजे डॉट, अब ये किसका मिल रहा है उसको ये तो फिर चाइल्ड नेम ही आ रहा है ना, तो अपने पापा, उसके पापा का इनहेरिट होगा ना वहां पे, राकेश चाइल्ड डिस्प्ले। अब उसके बाद उसी के थ्रू, पोते के थ्रू भी क्या है, उसके पापा भी कॉल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ सारे लोग कॉल हो जाएंगे, मतलब यहाँ जो पेरेंट है वो क्या होगा, ग्रैंड फादर, ठीक है, यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे कौन हो गया सन, यानी कि जो जो पोता था उसका, यानी कि वो प्राप्त पैरेंट का भी क्लास का प्रॉपर्टी ले रहा है और चाहे फादर का भी ले रहा है, मतलब मीन दादा का, तीनों कॉल हो गए ऑटोमेटिकली। आई हैव क्रिएटेड एन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द राकेश चाइल्ड, आई हैव नॉट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पैरेंट, फादर पैरेंट, आई हैव क्रिएटेड अ लीस्ट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट राकेश चाइल्ड सन विच इज inheriting the properties of the parent class and this parent class is inheriting the properties of base parent class. Base parent class. ठीक है, और हमने सिर्फ lower child class object बनाया which is calling entire flow. ठीक है, मतलब पोते को ही हमने call किया, दादा परदादा सबकी properties one by one आ गई उसके पास, करेक्ट? तो उसे सर, सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है ना सर? हाँ सर हो रहा है, डोंट वरी, क्योंकि मेरे को कोड चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, इसे कहते हैं मल्टी लेवल, सोचो यहाँ पे एक लेवल चला, फिर उसके बाद राकेश चाइल्ड आए, ये भी इसकी प्रॉपर्टी ले रहा है, देखो राकेश चाइल्ड की इधर ले रहा है और राकेश के ऊपर ले रहा है, इसे कहते हैं मल्टी लेवल। हाँ सर समझ आया, समझ में आ गया ना, डोंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, लेट्स मल्टीपल, अरे अपने इस कॉलेज में पूछते, मतलब कॉलेज के एक्सटेंशन में पूछते, किसी को करना होता तो ज्वाइन कर लेता तुम्हारे साथ ही, तो अच्छा रहता ना, दोनों मिलके बैठ के पढ़ते फिर। हाँ सर कल पूछते हैं किसे जिसको ज्वाइन करना होता, लेकिन पहले बताना नहीं, पहले पूछना कि भाई एक जगह है कोई पढ़ा रहे हैं, मैंने सुना है तुम पढ़ोगे तो बताओ, मैं भी पढ़ता हूँ फिर उनसे, ऐसे बोलना, ये नहीं बताना पहले से ज्वाइन। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं ऐसे पूछ, ठीक है, अगर वो रेडी हो जाएगा तब बोलना। सर एक मेरे दोस्त थे हैदराबाद में, वो भी एक बार बोल रहे थे, उससे कल पूछ, आज ही पूछ तो व्हाट्सएप पे, उसको डॉक्टर ने बहुत दिक्कत हो रहा है। हां तो उसको वो किस कंपनी में है, एक्सेंचर में ही, सेम ही हम लोग को डेट सेम ही था जॉइनिंग का, तो तुम इधर बैंगलोर के, उसको हैदराबाद, उसका हैदराबाद, हाँ मेरे को बैंगलोर रखा, उसको हैदराबाद भेज दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, क्लासमेट थे एक्चुअली, तो ओके ठीक है, पूछ के देखो, ऑनलाइन ही तो करना होता है, ठीक है सर। कहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र है? नहीं नहीं बेंगलोर की, बेंगलोर की है प्रॉपर रहने वाली, जी जी
वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? लेट्स सी वन एग्जांपल. हेलो विनय, वन सेकेंड. हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस. क्या किया है? बीटेक किया था ना या बीई किया था? हम सर बीए किए हैं. बी ओके. जब पढ़ाई कर रहे थे वहां पे, ग्रेजुएशन का 4 साल स्पेंड कर रहे थे, तो वहां पे प्रॉब्लम था प्रोग्रामिंग में. जब तुम पढ़ाई थे ना, तो अपना बुक उठा के देखोगे ना, तो वहां पे एक वर्ड सुना होगा या देखा होगा या फिर तुम्हारे एक्सेंचर में बोला होगा, डायमंड प्रॉब्लम. किसी ने बोला अभी तक कि नहीं बोला? क्या क्या जो मैंने लिखा है? डायमंड प्रॉब्लम. डायमंड प्रॉब्लम सुना है अभी तक? सर ये सुना हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ. मतलब कुछ कठिन जो प्रॉब्लम होता है ना, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम, उसी के साथ बोला जाता है. सबसे मुश्किल होता है, ये बात तो सही है, सबसे मुश्किल है. अभी हीरा देखा है? नहीं देखे ना, फिल्म में देखे हैं, ऐसे नहीं देखे. फिल्म में देखे हो? चलो आज दोबारा दोनों लोग देखते हैं. मैंने भी नहीं देखा. डायमंड, ठीक है सर, आपके पास है क्या? नहीं नहीं देखो. मेरा डायमंड करेक्ट. आप एक चीज नोटिस करो ध्यान से. नहीं खुल रहा अभी. हाँ खुल गया. ये एक डायमंड है, ठीक है. ये बीच में क्या एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है. तो ये डायमंड ऐसे बन रहा है, देखो. यस सर. अरे अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ध्यान से. ये समझ लो नीचे वाला चाइल्ड है, ठीक है. नीचे वाला पोर्शन. अच्छा. यहाँ पे उसके मदर बैठे हैं और यहाँ पे उसकी मदर बैठी है. दो लोग, मम्मी पापा दोनों बैठे. अच्छा. कोने में इधर, एक कोने में इधर, ठीक है. दोनों लोग के पास एक फंक्शन है या फिर काम करते हैं वो. दोनों लोग मान लो जॉब करते हैं, ठीक है. दोनों आईटी में जॉब करते हैं, इधर फादर भी इधर मदर भी, दोनों लोग करते हैं जॉब. जब ये चाइल्ड दोनों का प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, फादर का भी और मदर का भी, तो दोनों के प्रॉब्लम क्या है? जब ये करने जाएगा तो इसका जो दोस्त होगा वो बोलेगा क्या सर, फिर से आओ. यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो जॉब का होगा, फंक्शन होगा, वो क्या नाम है फंक्शन का, मान लो जॉब. फंक्शन का नाम ये जॉब. इधर भी पेरेंट जो फादर है उनका भी फंक्शन का नाम है जॉब, ठीक है. चाइल्ड क्लास ये रहा, पेरेंट क्लास का कभी तो ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है. तो जब ये चाइल्ड लिखेगा ओबीजे डॉट जॉब, कौन सा जॉब कॉल करेगा, ये वाला या ये वाला? दोनों कॉल हो जाएगा सर. ओके लेट्स सी. गुड आंसर. नो आंसर इज अ बैड, नो आंसर इज अ बैड आंसर. रॉन्ग आंसर इज ऑलवेज बी गुड आंसर. ओके नाउ, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, this is a multiple inheritance example. Okay, I'll make it this as a class. Okay, means client. Let's do. I'm creating a class called parent, or you can say what we call father. Simple. Okay, this is a class father. यहाँ पे हमने एक function बनाया public void, और ये क्या काम करता है? Job करता है. मैंने लिख दिया job. इसे job करता है. इसके अंदर नाम एक ही है. सर एक डाउट है सर बीच में, सर बताइए. जी सर, टेल मी. सर यहाँ पे आप पहला जो क्लास बनाया है फादर क्लास, ठीक है. यस सर. तो ये इसका फादर क्लास है, ठीक है उसको. लेकिन इसे नीचे जो सेकंड जो क्लास बनाया है उसके साथ पब्लिक क्यों लगाए हैं? वो पब्लिक क्यों किए? लेट्स डू दिस पब्लिक अगेन. रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं था, मैंने ऐसे लगा दिया. अभी टेन एक्चुअली में लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है. बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट एक नेम स्पेस, ठीक है.
कैन मेक द क्लासेस इज द इंटरनल. बाय डिफॉल्ट जो मॉडिफायर होता है किसी भी क्लास का वो इंटरनल होता है और वो उसी के अंदर एक्सेसिबल होता है. इफ यू डोंट वांट यू कैन डिलीट इट, नथिंग, नो वरी, इट विल वर्क. ओके, बट मेरा हैबिट हो गया लिखने का इसलिए. यस सर, ठीक है. दिस इज द क्लास. एक मैंने फादर बनाया जो जॉब कर, फंक्शन का नाम लिखा जॉब, और वो किसमें जॉब करता है, आईटी में. मदर एक और आ रही है, ठीक है, लेट्स डू दैट. मदर मदर है, मदर, ओके, ये भी जॉब करती है, लेकिन ये किसमें करती है, आईटी जॉब नहीं करती ये, ठीक है, आईटी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट, ये सही है, गवर्नमेंट जॉब करती है, ठीक है, बैंक में जॉब करती है, बैंक, ठीक है, हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चाइल्ड है, क्लास चाइल्ड. नाउ ये क्या कर रहा है, फादर को इनहेरिट कर रहा है, क्योंकि सेपरेट क्लास है. मदर तो फादर को नहीं इनहेरिट करेगा, नहीं, चाइल्ड करेगा. तो मैं लगा के मदर को भी इनहेरिट कर दूं, got it? Yes sir. क्या हुआ, मदर क्यों नहीं आया, हेलो, वन सेकंड. क्यों नहीं ले रहा है, नहीं मैं जानता हूँ, मैं एक्चुअली मैं क्यों नहीं ले रहा, बिल्ड करके देखिए क्या पता. नहीं वो रीजन तो पता है, एक्चुअली मैं दैट वुड बी पॉसिबल ओनली इन सी प्लस प्लस, यही पॉसिबल है और किसी में नहीं है. मैं सोचा था एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, तो अगर मैं ये एग्जांपल दिखाई देता आपको तो फिर तो में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता, ठीक है. इसीलिए सी हार्श ने मुझे अलाउ, मैं क्या बताना चाहता था वो देखो अभी, ठीक है. अब मान लो चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, चाइल्ड का बना सकते हैं, पेरेंट का नहीं बनाते, ठीक है जी. इतना सिर्फ समझो, ये मुझे अलाउ नहीं किया सी प्लस प्लस में, ये चलेगा, ठीक है. क्या है, फादर एक जॉब करता है, मदर एक जॉब करती है, दोनों का मेथड क्या नाम, सी एच ओबीजे डॉट, कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, जॉब, कौन सा वाला कॉल करेगा, फादर का कि मदर का, जॉब रहा है किसका, फादर का, दोनों तो, दोनों का नाम सेम है कि नहीं है, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा जी. कैसा मेथड है, सेम नाम का है ना, हाँ जॉब है, हाँ मेथड नेम जॉब फंक्शन. आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, पेरेंट क्लास का बनाते तो चलेगा, ठीक है. पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ पेरेंट डॉट, ऑब्जेक्ट बना मदर डॉट जॉब, अलग अलग इंडिविजुअल. बट इफ टू अ सिंगल क्लास इज इनहेरिटिंग टू बेस क्लासेस एंड द बेस क्लासेस इज हैविंग सेम नेम मेथड, तो और द कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड मेथड यू आर गोइंग टू इन्वोक. जॉब इज रिलेटेड टू मदर को या जॉब फादर को, दोनों को नहीं, नहीं किस रिलेटेड करता है ना जॉब, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, इसके अंदर कुछ और लिखा, इसके अंदर कुछ और लिखा, आपको पता नहीं चलेगा जॉब किसको, कंपाइलर ही नहीं अलाउ करेगा, वो कंफ्यूज. अच्छा, ये जॉब किसको बोल रहा है, फादर को बोल रहा है कि मदर को बोल रहा है, ठीक है. अच्छा अच्छा, अगर मैं गूगल पे जाऊं, यहाँ पे क्या है, डायमंड है, यहाँ पे एक क्लास है फादर, इधर क्लास है मदर, दोनों के पास सेम नेम का फंक्शन है, सेम मेथड है, उसको जब कंज्यूम करने जाएगा दोनों अलग अलग क्लासेस को, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे. हाँ सर, समझ गया सर, कंफ्यूजन हो जाएगा सर, ठीक है. तो उसके लिए इसीलिए कहते हैं मल्टीपल, इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, सी प्लस प्लस में पॉसिबल था,
जावा तो सर हम तो इसका नाम सी हैश में और इसका नाम यस टेल मी सर इसका नाम नाम तो हम चेंज कर सकते हैं ना। मान लीजिए जैसे आप जो लिखे हैं पहले, मैंने पहला जो फादर क्लास का जो बनाया है पब्लिक वाइड जॉब, ठीक है, एक एक मेथड ऊपर बनाया फिर सर सी डिफरेंट हो गया। अब चलेगा, अब तो कॉल हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट वन जी। चलना चाहिए, बिल्कुल चलेगा चलेगा। अभी मैं रीजन बताता हूँ ये मदर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, मैं बताता हूँ ठीक है, बस अभी समझ लो ये चलेगा। बना दिया तो चलेगा। सी है सी हैश में अलाउड ही नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस बिकॉज ये सी हैश मल्टीपल आपका इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड है ना जावा में, दोनों में से कहीं भी नहीं है। क्यों मैं रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। बिकॉज डायमंड कैसा दिखता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड देयर आर टू बेस क्लास फादर एंड मदर and having the same functionality, same feature, same method name, the child will get confused which method I need to इसका कॉल करूँ या इसका कॉल करूँ, क्योंकि दोनों का नाम कैसा है, सेम है, तो आप लिखोगे child obj और job, तो job किसको refer करेगा, father को mother को, नहीं पता चलेगा, compiler will get confused, so that is why the multiple inheritance is not supported by C hash and the Java because of this problem. Yes, sir. इस problem को sort out के लिए हमारे पास concept आया interface का. Interface. Yes. Yes. जो problem आया multiple inheritance, देखो I am not able to do the multiple inheritance. It is throwing me an error. मल्टीपल बेस क्लासेस, वो खुद बोल रहा है कि आप दो क्लासेस को यूज नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस में पॉसिबल था बट इन सी हैश और जावा में है ही नहीं अलाउड, इसीलिए ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। क्यों नहीं अलाउड है, इफ समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज व्हाई द सी हैश और द जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यू नीड टू गिव वन आंसर, because of diamond problem. If somebody will ask you what is diamond problem, then you need to explain. Diamond problem means a child, if a child is inheriting the properties of two base classes and these two base classes having same properties, same method, child will get confused which method I need to refer it. बिकॉज जॉब इसके पास भी मेथड है, जॉब इसके पास भी मेथड है, जब लिखोगे चाइल्ड डॉट जॉब तो पहला कहेगा अरे यार जॉब इसका बोल रहे हो, ये इसका बोल रहे हो कॉल करने के लिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सी हैश और जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। गॉट इट सर? कैन आई रिपीट, सर कैन आई रिपीट द डेफिनेशन? इफ द चाइल्ड इज इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लासेस विद सेम नेम। Let me do one more thing. If a child class inheriting two base class, okay, and those two base classes having same method name, okay, then child will get confused which method he is going to call. Suppose that this is a father having a job, this is a mother having a method of job. Parent class का हम लोग कभी object नहीं बनाते, तो whenever you create a method object of child class, and you will write child dot job, so job child dot job, compiler confused हो जाएगा कि आप parent father का child वाला job call कर रहे हो या mother का job call कर रहे हो। Yes sir. इसे कहते हैं diamond problem, which is not अवेलेबल। और दूसरा वर्ड एम्बिग्यूटी, AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी आता है, एम्बिग्यूटी मतलब क्या, सेम नाम की दो चीजें अगर होंगी तो एम्बिग्यूटी आ जाएगा। इसके अंदर भी जॉब है, इसके अंदर भी जॉब है, चाइल्ड क्या कर रहा है, दोनों को इनहेरिट करेगा तो एम्बिग्यूटी आ जाएगा कि ये जॉब, ये जो चाइल्ड है वो किस जॉब को कॉल कर रहा है, इसको या इसको, ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो
सपोर्ट ही नहीं करता है. सो फॉर दैट पर्पस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस और द डायमंड प्रॉब्लम वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड इंटरफेस. गॉट इट? Yes, sir. Got it, right? Now, let's do yes, sir. Let's go with multiple inheritance. Clear? I'm just commenting this part because it's not out. Okay. Project, add my CAD class. Now I'm going to create a, because multiple inheritance support nahi karta CR, so we have to go with the interface. Now the question, what is interface? Interface is nothing but just make a note. Aap note karke likh lo. Ha sir, note kar raha hu, haath se isliye late lag raha hai, nahi bol raha hu. Tick bhi karna aap in sab cheezon ko, theek hai, videos ko dekhte jab bhi time mile. अब जो मैं जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू सी हैश, इट्स रिलेटेड टू अ डॉट नेट, एंटायर डॉट नेट, इट्स रिलेटेड टू अ यस सर जावा, इट्स रिलेटेड टू एमवीसी, इट्स रिलेटेड टू अ एएसपी डॉट नेट, इट्स रिलेटेड टू अ वेब एप्लीकेशन. कोई भी आंसर कहीं, इट्स रिलेटेड टू अ डब्ल्यूसीएफ और द वेब सर्विसेज. कोई भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी टेक्नोलॉजी में आंसर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज इंटरफेस इन डब्ल्यूसीएफ, व्हाट इज इंटरफेस इन .NET, व्हाट इज इंटरफेस इन जावा, व्हाट इज इंटरफेस इन एमवीसी, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, यू हैव टू गिव ओनली वन आंसर. ठीक है, इंटरफेस इज अ यस सर. ओके, इज क्या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, which cannot be expose the definition, which can't be exposed. Okay. Just remove karo us line ko, pehla line thi ta, interface is nothing, contract. Interface is a contract. Mm-hmm. Okay, the first thing. Mm-hmm. Okay, which is shareable to the clients, which is shareable, share karna. अच्छा, shareable to client. Client. Now, अभी क्या होता है, इंटरफेस होता क्या है? Okay. समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, प्रोग्राम तो हो जाएगा, तुम गूगल से भी ढूंढ लोगे तो बना लोगे. अब देखो क्या होता है इंटरफेस, रोड पे जाते हैं ना हम लोग जब भी, ठीक है, कैसे okay. जाते हो, बाइक से या बस से? बस से. ओके ठीक है, बस से जाते हो, बाइक से या कभी पैदल भी जाओ, ठीक है, घूमो थोड़ा, कल भी निकला करो. अच्छा ठीक है, ठीक है, कल जाते हैं तो 3 किलोमीटर है, लंच टाइम पे निकलो और वहां जाना जहां पे रेड लाइट हो. अच्छा ठीक है, और वहीं पे खड़े हो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और देखो वहां पे रेड लाइट क्या है. ठीक है, क्या रेड लाइट? रेड लाइट, जो रेड लाइट है सिग्नल चौराहा, जहाँ पे सिग्नल होगा, ठीक है, वहां पे खड़े हो जाना और नोटिस करना होता क्या क्या. वहां पे क्या होता है, जब रेड लाइट चलती है ना तो सब लोग रुक जाते हैं, पता है ना? हाँ सही बात है. जब लाल बत्ती जलती है तो क्या होता है, सब रुक जाते हैं, और जब हरी बत्ती जलती है तो सब ना. और जब एक येलो लाइट भी जलता है, येलो कलर लाइट, ठीक है, वो इंडिकेट जल्दी से क्रॉस कर लो भाई, सिग्नल बंद होने वाला है. येलो फ्लैश लाइट होता है, येलो ऑरेंज मिक्स करके. वहां पे रेड लाइट पे या सिग्नल पे सिर्फ 3 ही लाइट्स होती है, रेड, ग्रीन और येलो. क्या yes, sir. तीनों का मतलब क्या है? रेड मतलब रुको, ग्रीन मतलब और येलो मतलब जल्दी से निकलो. मतलब अगर तुम निकल तो मतलब अपना सिग्नल क्रॉस कर दिया है तो दूसरा सिग्नल तुम्हारा सिग्नल वाला, उससे पहले निकल जाओ, येलो वाला लाइट जो होता है. फ्यूचर में क्या लगता है लाइट बनेगी? नहीं, अब तीन ही सिग्नल तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया, किससे क्या करना, दूसरा बनाने.
और तीसरा बना के जरूरत नहीं है, ये बताओ तीसरा बना के कोई यूज होगा सिग्नल पे क्या? नहीं वही बोल रहा है, कौन कोई यूज ही नहीं है ना तीसरा, अगर मैं बना दू मान लो नीला पीला हरा कैसा भी, तो क्योंकि सिग्नल पे तो दो ही काम होता है, रुको चलो बस करेक्ट, धरना वहां पे बैठ के करेक्ट सिग्नल पे, तो यानी कि क्या है आरटीओ ने या गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है विच यू हैव टू फॉलो इट करेक्ट, रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट which is not going to change throughout our country or throughout the world, which will never change. धरती खत्म हो जाएगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो रेड और ग्रीन और येलो लाइट बनाया है, वो कभी नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है? वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड है. So इंटरफेस क्या बोलता है? इंटरफेस इज अ सेट ऑफ रूल्स which is provided by the project or which is provided by the Microsoft or the compiler. Yes sir. Declare it. Once you declare the interface, once you define the interface, and the child says is going to inherit it. Inherit it, then the interface will never get changed. For example, red light के जो signals हैं वो सारे हमारे parent हैं और हम लोग कौन है उसके child जिसको हम लोग follow करते हैं rule को. Red तो हमको follow करना है, रुक जाओ भाई. अगर green जल गया तो हमको follow करना है कि भाई चलो. It can never change throughout the life. तो इंटरफेस एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जो हम लोग अपने चाइल्ड को देते हैं. जैसे विनय के फादर ने कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाए घर पे और वो विनय को दे दिए, यूज करना ही है. यू कैन फादर ने बोल दिया है बीटेक में एडमिशन करा, अब तुम्हें पढ़ना ही है चाहे कुछ भी करो, उसको तुम छोड़ नहीं सकते. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज अ सेट ऑफ रूल. हूएवर इज गोइंग टू इनहेरिट द इंटरफेस, दे मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइन. मींस गवर्नमेंट ने जो बनाया है रेड लाइट ग्रीन रेड रेड और येलो, वी चाइल्ड्स वी कैन नॉट, वी हैव टू फॉलो इट, हमें फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा, नहीं तो फिर फाइन भरना पड़ेगा. सो इंटरफेस, बट वंस यू डिफाइन द स्ट्रक्चर, हूएवर द क्लास, हूएवर द चाइल्ड इज गोइंग टू इनहेरिट इट, दैट मस्ट हैव टू फॉलो इट. ठीक नाउ सी, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ इंटरफेस. इंटरफेस इसका कीवर्ड स्टार्ट होता है आई से, हमेशा याद रखो. इंटरफेस पैरेंट, इंटरफेस ओनली हैव अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मींस फॉर एग्जांपल वॉइड, तो क्या बोले इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट मेथड? इंटरफेस ओनली कंटेन्स मेथड्स. आवाज ब्रेक हो रहा है. हाँ सर, वो थोड़ा सा इंटरफेस इंटरफेस विल हैव ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. आई एम राइटिंग इंटरफेस विल हैव ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विच डज नॉट हैव एनी बॉडी, डज नॉट हैव. Writing on the notepad. See, Visual Studio में write कर रहा हूँ. Interface. ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है. देखो, जिसको मैंने क्या कर दिया, सिर्फ declare क्या है? It's a declaration. ठीक है. Body किसका होता है? इसका body होता है curly braces open close. अगर मैं interface. हाँ तो.
इंटरफेस के अंदर ऐसे लिखूं void add फॉर एग्जांपल, मुझको पहले तो क्या देखो, इंटरफेस मेंबर्स कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन, इंटरफेस के अंदर कोई डेफिनेट, हां यस सर सर, इट्स ओनली डिक्लेरेशन, गॉट इट? Now, the next class, the child, for example, child कौन था हमारा? चलो child, okay, going to inherit parent. Just make a note. Whoever the child is going to inherit the interface, they must have to follow the guidelines which is provided. अगर पेरेंट बोल रहा है कि बीटेक में एडमिशन लेना है तो चाइल्ड को उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, सकता ठीक है, वो मना नहीं कर सकता कि भाई मैं बीटेक में नहीं लूंगा, उसको लेना ही पड़ेगा. हाँ, लेकिन अगर चाइल्ड कह रहा है बीटेक के साथ म्यूजिक भी करना चाहता हूँ तो कर सकता है, बट बीटेक दो वो तो एडिशनल है. हाँ, बीटेक में एडमिशन लेना जरूरी है, गॉट इट? सो अब मुझे क्या yes, इस मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इधर, मतलब फॉलो करना है ना गाइडलाइंस पब्लिक. हाँ सेम क्लास फॉलो करना पड़ेगा. तो उसने बोला था बीटेक में एडमिशन लो भाई, तुम्हें तो बीटेक में एडमिशन लेना ही पड़ेगा. Any doubt, any no, sir. तो parent class का कभी भी object नहीं बनाते हैं हम लोग, इसके अंदर एक और बार session बताएंगे ठीक है. मैं बताऊं क्योंकि ये बहुत important चीज है. अभी क्या हुआ, ये BTech में admission है, mother आई और mother बोल रही है भाई, आई parent mother, mother बोल रही है नहीं नहीं बेटा तो मेरा ये भी करेगा एडमिशन लेगा. पहले क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था, अब देखो आई पेरेंट मदर हो रहा है कि नहीं है, अब चला है प्रोग्राम को. हाँ चल रहा है सर. पहले तो एरर दिखा था, अब क्या एरर दिखा था देखो, डज नॉट चाइल्ड डज नॉट इम्प्लीमेंट एमबी एडमिशन, मींस whoever the child is going to inherit the properties, inherit the interface, they must have to follow the guidelines. जैसे उसके फादर ने बोला था बीटेक में लेना है तो उसको लेना ही है, फिर बोल रही है कि साथ में एमबीए भी करो, तो अब भाई चाइल्ड को एमबीए भी करना पड़ेगा, he must do. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट यहां पे रख देते हैं एमबीए. Now let's build it. उसके बाद दो बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तब उसके बाद दो बार कॉल करना पड़ेगा. I parent और I mother दो हो गए ना, दो क्लास, दो इंटरफेस करें. अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ जैसे बना रहे थे, चाइल्ड तो बीजे चाइल्ड, हाँ कॉल कर दीजिए एक बार सब आ जाएगा. तो बस डॉट देखो, बीटेक एडमिशन उसमें भी उसने पढ़ाई CHOBJ डॉट और उसने MBA भी डॉट MBA एडमिशन. देखो ऐसे मल्टीपल इनहेरिटेंस फिक्स करते हैं जो कि नॉर्मल क्लासेस के थ्रू नहीं हो सकता था, सिर्फ इसी के थ्रू पॉसिबल था. गॉट इट? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो सर. लेकिन सर यहाँ पे जब भी हम इंटरफेस का यूज करेंगे, तो अगर मेरे पास दो क्लास है, मतलब क्या बोलते हैं, एक पेरेंट है और फिर एक दूसरा है, तो हमको दोनों को एक बार ये करना पड़ेगा ना, दोनों का मेथड बनाना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल, बनाना पड़ेगा ना. हाँ वो तो देखो मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट केवल रूल बना रही है कि रेड का मतलब क्या होता है, सिग्नल का मतलब क्या होता है, ठीक है,
लेकिन हम लोग तो चल रुकना है। फॉलो करते हैं तो हम लोगों को रुकना है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा इधर कि भाई हम रुक जाएंगे इसमें। गवर्नमेंट ने तो रूल बनाया, मैंने क्या बोला शुरू में, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, जो कि बना के तुमको दे देंगे एक और दो, हमको उधर फॉलो रुकना है कि नहीं रुकना है, ठीक है, बट हमको तो या भैया रेड लाइट है तो रुकना ही है, तो वी हैव टू राइट कंसोल, हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टॉप कुछ भी कुछ ऐसी कुछ टाइप कर रहा हूँ। जस्ट एक और चीज जस्ट माइंड में रखना है हमेशा, ठीक है, आपने मेथड को बन डिक्लेयर कर दिया, इनहेरिट कर लिया, और अगर आपने उस फाइंड नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, यू विल गेट एन एरर। फेस मेंबर आई पेरेंट और बीटेक एडमिशन, बीटेक एडमिशन आपने नहीं बनाया, देखो लिखा है ना, डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन, एमबीए में सर बीटेक, व्हाटएवर द मेथड्स इज डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस that must have to be implement into the child class. अच्छा अच्छा, so you have to implement it, you have to follow it, तो हमें करना पड़ेगा, is that clear? Yes sir, correct, लेकिन यहाँ पे तो हम दोनों को call कर दिया तो कोई error नहीं आना चाहिए अभी, नहीं कोई error नहीं आएगा, क्यों आएगा error? हाँ वही तो, नहीं 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 वो दूसरा वाला रन हो रहा है, अभी मैं बताऊं आपको, सिर्फ अभी प्रिपेयर करो इन सब चीजों के लिए जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, थोड़ा गूगल पे देखो वो दोनों, और थोड़ा सा क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है ना वो इंटरफेस विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर इंटरव्यू पर्पस और हर जगह के लिए, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, वो जाएगा आधा घंटे करीब 20 में, थोड़ा बड़ा है एक्चुअली में एग्जांपल्स के हिसाब से, मैं अभी तुम्हें सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि सबसे थोड़ा सा गूगल पे इंटरफेस के बारे में पढ़ो, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ो सारे, ताकि इंटरव्यू का भी प्रिपेयर हो, आपके एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो, और यही सब प्रोग्राम्स बना के देखो, ठीक है, तो पहले सर आप ये प्रोग्राम मेरे को मेल कर दीजिए, इससे पहले वाला जो बैच था उन लोग भी ASP.NET किया, आज के दिन में सिर्फ क्या कराया उनको पता है, सिर्फ व्यू स्टेट, व्यू स्टेट में भी बहुत सारी चीजें थी प्रैक्टिकली, मैंने कहा देखो यार रूप्स का व्यू स्टेट आपके उसमें भी कराएंगे, अभी कराने में तो 2 मिनट लगेगा मुझे, लेकिन समझने में 5 मिनट लगेगा बस, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हर जगह करना है, उसको समझने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा तो आप भी ठीक है धीरे धीरे जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर लाइफ टाइम के लिए इजी हो जाएगा, राइट जी सर, ये मैं आपको भेजता हूँ वो सैंपल, और ये जी सर एक और हम लोग का कुछ सैंपल जो एग्जाम के लिए कुछ मतलब सेट्स ऑफ सैंपल का जो सेट मिला है सैंपल का सेट मिला तो कुछ कुछ का आंसर नहीं आ रहा, तो मैं भेजूंगा जरा उसका आंसर बता जी, भेजो ना, भेजो भेजो भेजो, उसका खाली आंसर बताना क्योंकि उसी से पास करना है हम लोग को। हाँ हाँ कोई बात है, वैसे गूगल पे भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा